नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर सिस्टम के बारे में, यानी कि CFD के बारे में बात करेंगे। वैसे इस टॉपिक को इससे पहले कवर नहीं किया है, तो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जो आपके चैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर सिस्टम होते हैं, यानी कि CFD होते हैं, वो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं एक डेकॉय के रूप में आपके जो भी एडवर्सरी हैं उनके मिसाइल से आपको बचाने के लिए। स्पेशली यहाँ पे मैं AAM की बात कर रहा हूँ, यानी कि AA2 मिसाइल की बात कर रहा हूँ। अगर आपके दुश्मन ने आपकी तरफ कोई मिसाइल फायर की है, तो वहाँ पर जो उसकी मिसाइल होगी वो मुख्यतः दो तरह के गाइडेंस या फिर सीकर का इस्तेमाल कर रही होंगी। पहला आपका हो जाएगा IR गाइडेंस, यानी कि इंफ्रारेड गाइडेंस, मतलब उस पर्टिकुलर मिसाइल में जो सीकर लगा हुआ है वो आपके एयरक्राफ्ट के इंजन के हीट को देखते हुए आपके पीछे दौड़ेगा। अब या फिर जो हीट है वो आपके इंजन के एग्जॉस्ट से आ रही होगी, आपके एयरक्राफ्ट के रडार से आ रही होगी। अगर आप सुपरसोनिक जा रहे हो तो जो भी एज है वहाँ से जनरेट हो रही होगी। तो इस तरह से मल्टीपल ऐसे पॉइंट होंगे जो कि IR सिग्नेचर यानी कि हीट के सिग्नेचर दे रहे होंगे, और उसी के पीछे जो आपके दुश्मन का मिसाइल है जो कि IR सीकर से लैस है वो आपके पीछे भाग रहा होगा। तो ये पहला केस हो गया। तो उस केस में बचने के लिए आप इस्तेमाल करते हो फ्लेयर्स का। अब बात करते हैं चैफ की। तो चैफ आपको तब बचाता है जब आपके दुश्मन के मिसाइल में जो सीकर है यानी कि जो गाइडेंस है वो RF बेस्ड है, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उसको गाइड किया जा रहा है दुश्मन के रडार के थ्रू आपकी तरफ। तो उस तरह के मिसाइल से बचने के लिए जो चैफ है उसको आप डिप्लॉय करते हो। तो ये दो तरह के ऐसे काउंटर मेजर सिस्टम हैं, डेकॉय सिस्टम है, जो कि आपको बचाते हैं। तो इन दोनों पे ही डिटेल में बात करने वाले हैं, देखेंगे कि किस तरह से ये सिस्टम्स बनाए जाते हैं और कौन कौन से जो मटेरियल हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेयर्स की। तो फ्लेयर्स हम अभी बात कर रहे थे जो कि आपको बचाते हैं उन मिसाइल से जो कि आपके एयरक्राफ्ट के हीट को पकड़ के आपके पीछे भाग रहे हैं। तो फ्लेयर्स क्या करते हैं, जैसे ही आप इनको लॉन्च करोगे तो ये आपके सिस्टम के द्वारा या तो इग्नाइट किए जाएंगे या फिर स्वतः ही ह्यूमिड एयर में आते ही इग्नाइट हो जाते हैं। यानी कि दो तरह के जो इग्निशन सिस्टम है वो यहाँ पे इन फ्लेयर्स में है। तब जैसे ही जो इसका इग्निशन होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर का जो जनरेशन होता है वो कई हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड तक जनरेट करता है, मतलब आपके इंजन का जो एग्जॉस्ट होगा वो ऑलरेडी थाउजेंड्स डिग्री में होता है। तो उसको ये आपका जो फ्लेयर्स है ओवरराइड करता है टेम्परेचर के मामले में, जिससे कि जो भी मिसाइल्स होंगी जो कि हीट सीकिंग होंगी उनको लगेगा कि ये जो फ्लेयर है जहाँ पे एकदम से हीट जनरेट हो गई है जलने के बाद, यही एक्चुअल एयरक्राफ्ट का इंजन है, और वो उनको हिट करने लग जाता है, फिर आप बच जाते हो। तो ये हो गया फ्लेयर का बेसिक फंडा, जो कि आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स में ये जो सिस्टम है काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। मिसाइल्स भी इंटेलिजेंट हो चुकी हैं, और जो आपके एयरक्राफ्ट हैं यानी कि काउंटर मेजर सिस्टम्स हैं, फ्लेयर्स हैं, उनको भी इवॉल्व कर दिया गया है। तो उन दोनों पर भी बात करेंगे। जो आपके फ्लेयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला हो जाएगा पायरोटेक्निक मटेरियल बेस्ड फ्लेयर, दूसरा है पायरोफोरिक मटेरियल बेस्ड फ्लेयर। तो ये दो तरह के आपके पास फ्लेयर्स होते हैं। किस तरह से ये दोनों डिफरेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आजकल के जो भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं वो आमतौर पे जो पायरोफोरिक है उन फ्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पायरोटेक्निक फ्लेयर के बारे में, जो कि काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। तो बेसिकली जो आपके पायरोटेक्निक फ्लेयर होते हैं वो ऐसे बारूद होते हैं जो कि फ्लेयर बॉक्स में भरे जाते हैं। इन मटेरियल को आप कह सकते हो कि एक तरह से बारूद होते हैं ये, जो कि लिक्विड या फिर सॉलिड के फ्लेमेबल सब्सटेंस के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा जो आपका 4 नंबर का सेक्शन है वो आप कह सकते हो कि बारूद है। 5वें नंबर पर जो सेक्शन है वो हीट को प्रोपोगेट करने के लिए फर्स्ट फायर एलिमेंट के रूप में दिया गया है। जो 3rd सेक्शन है वो एक तरह का इग्निशन सिस्टम के रूप में काम करेगा। जो 2nd नंबर पर है वो कार्टेज को एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देगा, और जिसको 1 से डिनोट किया गया है वो आपके कार्टेज की केसिंग को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो 7 नंबर पर है वो एक तरह का वॉशर है। तो जब भी आप यहाँ पे इस तरह के पायरोटेक्निक फ्लेयर को डिप्लॉय करना चाहोगे तो वहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसको पुश करेगा, उसके बाद जो इग्निशन सिस्टम है 3 पे वो इग्नाइट करता है। और यहाँ पे जो इग्निशन होता है उसको आप या तो प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब जो इंटरवल है दो फ्लेयर के बीच में जलने का वो किस रेट का होगा, तो उसको आप प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो बेसिकली जो पेलोड है 4 पे उसको इग्नाइट करेगा ये, उसके बाद जो फायर है वो प्रोपगेट होगी और 7 से एग्जॉस्ट के रूप में ये एयर में जलने लग जाते हैं, और एक जो टेम्परेचर है वो जनरेट करते हैं किसी भी IR मिसाइल को भटकाने के लिए। तो ये जो आपका बेसिक फंडा है पायरोटेक्निक फ्लेयर का, जो कि आज भी काफ़ी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है कि इसका जो इग्निशन सिस्टम है उसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। बात करते हो पायरोफोरिक फ्लेयर की। तो पायरोफोरिक जो फ्लेयर होते हैं वो एक तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑब्वियसली पायरोफोरिक कैटेगरी के होते हैं। आमतौर पर जो मटेरियल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर आयरन प्लेटलेट पे कोटिंग की जाती है अल्ट्राफाइन एल्यूमिनियम की, या फिर आमतौर पर जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनकी कोटिंग की जाती है, यानी कि आपके एल्केलाई एल्युमिनियम कंपोनेंट, तो इनकी कोटिंग की जाती है आयरन प्लेटलेट पे। लेकिन आप इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हाई ऑल्टीट्यूड पे इनमें जो ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, और उसको पूरा करने के लिए अक्सर जो ऑक्सीडाइजर्स हैं वो भी यहाँ पर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं।
सो इस तरह के फ्लेयर में क्या होता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही ये ह्यूमिड एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये अपने आप ही जलने लग जाते हैं, मतलब इनको इग्नाइट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह से हाईली फ्लेमेबल होने की वजह से इनका जो स्टोरेज है वो काफ़ी क्रूशल हो जाता है। जहाँ पे जो उनके कार्टेज होते हैं जिसमें ये रखे जाते हैं उनको इनर्ट गैस से फिल किया जाता है ताकि ये रिएक्ट ना करे एयर के साथ। और लॉन्च करते वक्त जो एक गैस जनरेटर है वो इस्तेमाल किया जाता है इजेक्शन के लिए। तो जैसे ही ये उसकी हेल्प से इजेक्ट होते हैं, बाहर आते ही इनमें जो आग है वो लग जाती है जो एयर की ह्यूमिडिटी है उससे रिएक्ट करने के बाद। तो ये तरह के फ्लेयर आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो आपको एडिशनल इग्निशन पैटर्न है वो नहीं चुनना पड़ रहा है। यहाँ पे पायरोफोरिक को लेके एक और छोटा सा एडवांटेज आपके पास कि जो वेरिएबल है वो बहुत कम है। जैसे कि जो आपके पायरोटेक्निक फ्लेयर्स थे उनमें मुख्यतः तीन तरह के जो मटेरियल हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, टेफ्लॉन हो गया या फिर वाइटन हो गया। तो ये तीन तरह के जो मटेरियल है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हीं का जो कंपोजिशन है वो चेंज करके जो टेम्परेचर है अलग अलग वो अचीव किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपके पायरोटेक्निक फ्लेयर हैं उसका जो अगला कॉम्बिनेशन है वो अल्यूमिनियम परक्लोरेट, एंथ्रासीन एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे भी एक और कॉम्बिनेशन है जिसका आप इस्तेमाल करके जो पायरोटेक्निक फ्लेयर के टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर पाते हो। नहीं तो आमतौर पर ऐसा होता है कि आपके इंजन का टेम्परेचर कुछ और है और जो फ्लेयर टेम्परेचर जनरेट कर रहा है वो कुछ और है। तो उस केस में जो भी मिसाइल आपको फॉलो कर रही है वो डिफरेंशिएट कर लेती है कि इंजन का टेम्परेचर कौन है और फ्लेयर का टेम्परेचर क्या है। सो इस डिफरेंशिएशन को कम करने के लिए ये जो मैंने आपको वेरिएबल बताए हैं मिक्सचर के, वहाँ पे आपको छेड़छाड़ करनी पड़ती है ताकि जो टेम्परेचर है वो मैच करे आपके इंजन के टेम्परेचर को। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो काफ़ी सारे हैं जबकि पायरोफोरिक में वेरिएबल कम है। तो ये भी आपको जो स्लाइटली एज है वो दे जाता है। वहीं पे जो आपके पायरोफोरिक फ्लेयर होते हैं उनका जो सिग्नेचर होता है वो काफ़ी लंबा होता है, मतलब कई मीटर एरिया में जो पायरोफोरिक फ्लेयर होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। उस कंपेयर में जो आपके पायरोटेक्निक फ्लेयर होते हैं वो छोटे से एरिया में ही फैलते हैं। तो ये भी एक यहाँ पे आपको एक तरह का जो एडवांटेज है वो दिख जाएगा। तो इस तरह से जो आपके फ्लेयर के जलने का लेंथ है वो अच्छा रहता है। तो क्लोज कॉम्बैट में जो भी CCM यानी कि क्लोज कॉम्बैट मिसाइल आपकी तरफ भाग रही है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी ट्रेजेक्ट्री को। सो यहाँ पे जो पायरोफोरिक फ्लेयर हैं उनके आपके पास कई सारे जो एडवांटेज हैं वो मिलते हैं जो कि बहुत हद तक जो आपके मॉडर्न CCMs हैं उनके अगेंस्ट भी काम करता है। बात करते हैं अब चैफ सिस्टम की। तो चैफ के बारे में हम पहले बात कर रहे थे कि ये आपके दुश्मन के जो भी RF मिसाइल आपकी तरफ भाग रही है जो कि उनके रडार से गाइड हो रही है आपकी तरफ, तो उन RF मिसाइल को ये जो मिसाइल आपकी तरफ भाग रही है उनके लिए जो रॉन्ग सिग्नेचर्स हैं यानी कि फॉल्स नॉइज हैं वो जनरेट करते हैं ये। और कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट के RCS को मिमिक करने के लिए ये क्या करते हैं, ये एक क्लाउड बनाते हैं एल्यूमिनियम कोटेड जो ग्लास फाइबर है या फिर प्लास्टिक है उसका, जो कि दुश्मन के मिसाइल के प्राइमरी टारगेट यानी कि आपके एयरक्राफ्ट के सिग्नेचर को मिमिक करता है क्लस्टर फॉर्म में, मतलब कई एंगल से। सो ये आपके एयरक्राफ्ट के RCS को जनरेट करता है जिससे कि दुश्मन की जो मिसाइल है RF मिसाइल वो आपके RCS की तरफ बढ़ रही है वो इनको हिट करे और गुमराह हो जाए। अब बात करते हैं कि इनके अंदर होते क्या हैं। तो इस तरह के चैफ के अंदर आपको दिखता है कई सारे सेक्शन, और यहाँ पे जो आपके सेक्शन दिख रहे हैं इनमें जो एल्यूमिनियम कोटेड फाइबर हैं यानी कि ग्लास फाइबर वो थिन फॉयल के रूप में कई सेक्शन में रखे होते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन बनाए गए हैं यानी कि एल्यूमिनियम कोटेड जो ग्लास फाइबर है उनको मल्टीपल नंबर में इसलिए कट किया गया है ताकि वो आपके दुश्मन के रडार के इंटेरोगेशन फ्रीक्वेंसी को मैच कर सके। और ये जो इंटेरोगेशन फ्रीक्वेंसी होती है आमतौर पे आपके एयरक्राफ्ट के रडार के वेवलेंथ के हाफ होती है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी चैफ सिस्टम होते हैं ये एक रेजोनेंट डाइपोल के रूप में काम करते हैं जहाँ पे ये दुश्मन के रडार से जो भी EM वेव्स आ रही होती है इसकी तरफ टकराती हैं तो ये उन सबको रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे कि जो सिग्नेचर है उनके रडार पे वो बड़ा दिखता है, मतलब एक फाइटर जेट के रूप में दुश्मन को दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो भी मल्टीपल नंबर में काटे गए हैं ग्लास फाइबर को वो अलग अलग रेजोनेंट को मैच करने के लिए काटे गए होते हैं, और ये रेजोनेंट वेरी करता है 2 से लेके 10 GHz के बीच में जहाँ पे आमतौर पे जो भी रडार होते हैं वो किसी मिसाइल को गाइड करते हैं। तो ये आपके चैफ सिस्टम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई पल्स डोपलर रडार गाइड कर रहा होता है किसी दुश्मन की मिसाइल को आपकी तरफ, तो उस केस में क्या होगा, जो दुश्मन की मिसाइल का टारगेट है जो उसको दिया गया है ऐसा टारगेट जिसका जो RCS है वो डिटेक्ट किया है उनके रडार ने, और वहाँ पे उन्होंने उस पर्टिकुलर मिसाइल को ये बताया है कि ये पर्टिकुलर टारगेट है, इस टारगेट से हमारी जो EM वेव लौट के आई है उसका जो सेंट्रॉयड है वो ये है और यहाँ पे आपको जाके हिट करना है। और जैसे ही आप चैफ लॉन्च करते हो तो चैफ क्या करता है, जो आपका एयरक्राफ्ट है उसका एग्जैक्ट RCS जनरेट करता है। जब एग्जैक्ट RCS जनरेट हो गया तो जो सेंट्रॉयड है वो दोनों का इक्वेलेंट लगता है, और जानते होंगे जो पल्स डोपलर रडार है वहाँ पे जो मॉड्यूल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसका जो नतीजा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो RCS का सेंट्रॉयड है वो शिफ्ट हो जाता है चैफ द्वारा जनरेट किए गए RCS पे। तो इस तरह का धोखा होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ सामने आई जब दुश्मन के जो रडार हैं वो डिफरेंशिएट करने लगे डोपलर शिफ्ट की वजह से, क्योंकि आप जानते होंगे जो भी मटेरियल होते हैं यानी कि एल्यूमिनियम कोटेड ग्लास फाइबर वो काफ़ी हल्के होते हैं,
तो जैसे ही उनको आप रिलीज करोगे अपने एयरक्राफ्ट से यानी कि इजैक करोगे चैफ को, तो उनकी जो स्पीड होती है वो तुरंत गिर जाती है, जबकि जो आपका एयरक्राफ्ट है जिसने उसको लॉन्च किया है वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो आपके दुश्मन होते हैं वो डोपलर फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करके यानी कि डोपलर शिफ्ट का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे भाग रहा है, क्योंकि जो आपका चैफ है उसका तो ऑल्टीट्यूड भी गिर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि वो हल्का है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने लग गई थी, जिसको लेकर जो डिफरेंशिएशन है वो काफ़ी आसान हो गया था और जो मॉडर्न रडार थे वो डिफरेंशिएट करने में सक्षम थे। सो इस चीज़ को देखते हुए जो चैफ सिस्टम है उनको भी एडवांस बना दिया गया है अब, और वो कैसे बनाया गया है, और मैंने कोई चैफ लॉन्च किया तो उस चैफ से जो फ्रीक्वेंसी रिटर्न करेगी दुश्मन के पास, उस फ्रीक्वेंसी में एक पर्टिकुलर शिफ्ट होगा और उस शिफ्ट को देखते हुए वो आपको पकड़ेंगे, मतलब डिफरेंशिएट कर लेंगे कौन सा चैफ है कौन सा एयरक्राफ्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिशनल जैमर का इस्तेमाल करके अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये मल्टीपल नंबर ऑफ जो नॉइज है वो क्रिएट करेगा, और जो शिफ्ट है जो कि दो लोकेशन पे होने की वजह से आ रहा है तो उस शिफ्ट को एक कहीं ना कहीं नोज में मैनेज कर देगा, जहाँ पे दुश्मन के रडार होंगे वो आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिफ्ट को एक जैमर की हेल्प से मैंने अपने चैफ क्लाउड को नॉइजी बना दिया है, मतलब बहुत सारी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंट्रोड्यूस कर दी है। सो इस तरह के जो चैफ सिस्टम है जिनको आजकल चिल्स या फिर जैफ कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपके चैफ सिस्टम है वो भी इवॉल्व हो चुके हैं जैफ के रूप में। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो काम करता है चैफ एंड प्लेयर का। तो यहाँ पे मोस्टली मैंने हर चीज़ कवर कर दी है, कुछ एक कॉमन पॉइंट है वो मैंने छोड़ दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।